नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की खास खबरों पर। कोरोना की रेस में जिंदगी की जंग हारे मिल्खा सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने महान खिलाड़ी खो दिया। शादी के 1.5 महीने बाद पति ने की पत्नी की हत्या, दहेज की रोतारा मौत के घाट, आरोपी पति को पुलिस ने भेजा जेल। अनोखी पहल से चर्चा में आया दिल्ली का जायका है दिल्ली रेस्टोरेंट, कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को दे रहा है छूट। दिल्ली में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली, भाई की शादी के दिन उतारा मौत के घाट, 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था मृतक। और दिल्ली में भगवान के घर को चोरों ने बनाया निशाना, छत्र समेत उखाड़ ले गए दान पात्र, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। भारत के महान एथलीट और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह करीब 1 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और 5 दिन पहले उनकी पत्नी ने भी कोरोना संक्रमण के चलते ही दम तोड़ दिया था। देश के दमदार धावक को अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। धावक मिल्खा सिंह 1 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। इसे 5 दिन पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा दी। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। खबरें कोई माने तो मिल्खा सिंह ने रात 11:30 पर आखिरी सांस ली। उनकी हालात शाम से ही खराब थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। वह यहाँ PGIMIR के ICU में भर्ती थे। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उन्हें जनरल ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। गुरुवार की शाम से पहले उनकी हालत स्थिर हो गई थी। निर्मल कौर की बात करें तो वो 85 वर्ष की थी। बीते रविवार को एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। मिल्खा सिंह की उपलब्धियां। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में 4th स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया जिनके जीवन से उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। बता दें कि फिल्म अभिनेता और मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले फरहान अख्तर ने भी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा कि मेरे मन का एक हिस्सा यह मानने को बिल्कुल राजी नहीं है कि आप नहीं रहे। हो सकता है यह जिद है, वही जिद जो मैंने आपसे सीखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के अंदर एक शख्स ने अपनी पत्नी की महज दहेज की मांग पूरी न होने के चलते हत्या कर दी है। खबर है कि शख्स की इस महिला से करीब 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी और ये शख्स लगातार अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित करता था। अपराध की दुनिया में उतरा इंसान कब कहां किस घटना को अंजाम दे बैठे, पहले से ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल बात है। ऐसा ही एक अपराध दक्षिणी दिल्ली से सामने आया है। यहां पर एक नवविवाहिता की हत्या हो गई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति ने ही की। घटना की पुष्टि दक्षिणी दिल्ली जिले के DCP अतुल कुमार ठाकुर ने की। DCP के मुताबिक गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि असोला गांव की जगबीर कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर मैदानगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के भीतर बिस्तर पर पड़ी महिला की लाश को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
महिला की उम्र 25 साल थी। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि महिला की शादी करीब 1.5 महीने पहले हुई थी। लड़की के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और आरोपी उसके पति को भी फांसी पर लटका दिया जाए। तो हमारे साला रहता था यहाँ दिल्ली में, हंसलोक में काम करते थे, उसको उसने खबर दी हमें 9:15 बजे कि उन्हें मार दिए। और तो क्या पता चला आपको क्यों मारा है, क्यों मारा है? दहेज दहेज के उस पर मारा इनने। दहेज नाम को शादी हुई थी 26 अप्रैल को शादी हुई थी। इनने लड़की के जब शादी करके लाए यहाँ, एक हफ्ते बाद उसका मोबाइल बंद कर दिया और उसके बाद बंद कर दिया उसका मोबाइल। तो इसके बाद ये उसको दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। तो उसके बाद ये क्या कहते, बड़ी मुश्किल से फ़ोन लगा तो हमने बुलवाया इनको वहाँ, पहले फ़ोन ही नहीं लगता था इनका। फ़ोन लगवाया तो बुलवाया इनको, हमने कहा जो भी है हम आपस में कर लेंगे यहाँ घर पे बैठ के। 16 तारीख को ये वहाँ आए, 9 तारीख को हमारे घर पे बुलवाए ये। हाँ, तो उसके बाद फिर एक गले का बनवा के दिया, फिर हमने कहा जो भी होगा करेंगे। दहेज में क्या मांग जात करते थे आप? मैं दहेज में कहने लगे कि ऐसा है, 1 बीघा बेच के हमको कार दो, इसको ऐसे को तो फांसी हो, सब ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ऐसे अगर ये तो किसी भी लड़की को मार सकते हैं ऐसे ऐसे लोग। हमारी भतीजी को इनने बेरहमी से मतलब दहेज प्रथा के उसमें मारा था। हाँ, हमारी भतीजी आई थी घर पर और उनसे कहा था कि मतलब तुम्हारे मायके वाले ने क्या दिया करके, और हमारी भतीजी को इनने बेरहमी से मारा। और हमने कल उसको ले गले का हार भी बना कर दिया था और हमने कहा था जा आप कुछ नहीं करेंगे तेरे मायके वाले, नहीं वो ससुराल वाले। और उसके बाद भी इनने ये प्रणाम किया है, हमारी भतीजी को इनने गला घोंट के मारा है और उसको बेरहमी से मारा है। उसके पति कुलदीप सिंह राणा पर ही लोगों ने हत्या का शक जताया। पुलिस ने हत्या के शक में पति कुलदीप सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। हत्यारोपी पति ने भी पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला के गले और चेहरे के पास कुछ नीले निशान पाए गए और देखने से ऐसा लगता है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस उपायुक्त अतुल ठाकुर ने कहा हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का हमारे जीवन में एक अहम योगदान है और ऐसे में कई लोग दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर रहा है दिल्ली के यमुना पार्क में स्थित जायका ए दिल्ली रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को खाने पर काफ़ी डिस्काउंट दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे डिस्काउंट के पीछे इस रेस्टोरेंट की क्या योजना है। कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए हर कोई प्रयास करने में जुटा हुआ है। अब यमुना विहार स्थित जायका दिल्ली रेस्टोरेंट ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। रेस्टोरेंट उन लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया है। इस अनोखी पहल के तहत खाने पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी तक ये डिस्काउंट टेक अवे पर था, लेकिन दिल्ली में अनलॉक 3 के तहत अब रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। नमस्कार, मैं आपका गौरव शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। इस लहर में हमने अपने को खोया है और देश में वैक्सीन भी आ चुकी है। वैक्सीन को लेकर मैंने एक छोटी सी मुहिम चालू की है, पहल चालू की है। मेरा एक रेस्टोरेंट है जायका दिल्ली रेस्टोरेंट यमुना विहार में। यहाँ पर आप लोग आते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और जितने भी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। जो वैक्सीन को लेकर अफवाह उड़ रही हैं वो सब गलत हैं, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाएँ, वैक्सीन लगवाएँ। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएँ और 20% डिस्काउंट पाएँ, साथियों और सेफ रहें। धन्यवाद। दरअसल जो लोग रेस्टोरेंट में खाना लेने या बैठकर खाना चाहते हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें डिस्काउंट मिलेगा।
रेस्टोरेंट के मालिक गौरव शर्मा के मुताबिक उनके दो रेस्टोरेंट हैं और दोनों ही रेस्टोरेंट में उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, जिससे कि लोग जागरूक हों और टीका लगवाकर डिस्काउंट ले सकें। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई है। इस शख्स की हत्या उस दिन की गई जिस दिन इसके बड़े भाई की शादी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके तीन दूसरे साथियों की भी तलाश की जा रही है। रोता बिलखता ये परिवार है तस्वीरों में दिख रहे रोहित का, जिसे आपसी रंजिश में पांच बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने रोहित के बड़े भाई की शादी के दिन अंजाम दिया। दरअसल कुछ महीने पहले ही रोहित ने आपसी झगड़े में अंकित नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद रोहित को इस हमले के लिए 7 महीने के लिए जेल भी भेजा गया था और 2 दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। सर मैं तो था परेशान है, वो लेने चीज लेने गया था, ठीक है, मेरे भाई को यहाँ घेर के चार पांच बंदे थे, उन्होंने गोली मारी, उसमें अंकित शंकर और उसके साथ 3-4 लड़के और थे। अच्छा पहले की भी कोई लड़ाई थी? पहले भी उसने ही मारा था उसे। अच्छा हम तो बच्चा बुद्धि में, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई होगी। कौन है जिन्होंने मारा, ये क्या काम? ये भलसवे के हैं, अंकित है, ये मिश्रा के साथ के, ये बदमाश टाइप के लड़के हैं सारे के सारे। अच्छा सारे बदमाश हैं, सारे टॉपर। इससे पहले भी जो ये अंकित है किसी मामले में गिरफ्तार हो चुका है? हाँ पहले भी हो चुका है। ये कितनी गोली लगी थी आपके भाई को? मेरे भाई को 4 गोली मारी गई है, 3 गोली लगी है उसके। कहाँ कहाँ पे लगी गोली? यहाँ लगी है पेट पे, रोहित पर हुए हमले के बाद उसे आनंद फानन में फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हालांकि रोहित को बचाया नहीं जा सका और ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान ही रोहित की मौत हो गई। अब रोहित के घर वाले न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। पूरा मामला ये है, 26 जनवरी को मेरा लड़का यहाँ बैठा था, 15 अगस्त को यहाँ मोटरसाइकिल लेकर वो जा रहा होगा, मेरे लड़का ने मजाक में ऐसा मोटरसाइकिल पकड़ ली, उसे गिरा गिरा कर नाली में मारो, एक लड़का और बुला लो फोन करके यहाँ पर नाली में, मैंने पकड़ के हाथ ऐसा पकड़ लो, मैं लल्ला क्यों मार रहा हूँ, तेरी बिगड़ गई तो मैं समरवा दूंगी, जब वो खूब मार लो है उसको दाव लगो तो उन्हें भी मारो। अच्छा आज बताया जा रहा है 4 से 5 गोलियां मारी हैं, आज मारी है तो आज मारी है, तो वो तो घर में से लेकर के आ रहा हूँ, खींच के जब मारी है। क्या काम करता था बेटा आपका? अमेज़न। शादी वाले घर में हुई बेटे की हत्या की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार करती है और परिवार को न्याय दिलाती है। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा है। इस इलाके में बने एक मंदिर में चोरों ने छत्र, पीतल के घंटे और दान पात्र पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात यहीं लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए चोरों ने किस शातिराना तरीके से इस मंदिर पर हाथ साफ किया। दिल्ली के वजीराबाद में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। चोरों ने वाल्मीकि मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर में लगे चांदी के छत्र, करीब 20 किलो के पीतल के घंटे और मंदिर में रखे दान पात्र को चोरी कर ले गए। घटना बीती रात की है, जब चोर मेन गेट तोड़कर मंदिर में घुसे और अंदर जाकर खूब उत्पात मचाया, लेकिन चोर का भागते समय मोबाइल मंदिर परिसर में ही गिर गया। बाहर निकलते हुए एक शख्स ने चोर को देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसका पीछा भी किया। इसी दौरान इलाके में पेट्रोलिंग पर मौजूद पुलिसकर्मी ने भी चोर का पीछा किया, लेकिन चोर मौके से फरार हो गया। मंदिर में आज सुबह पता लगा कि
एक चोरी हुई है यहाँ पर, गेट तोड़कर मंदिर का जो घंटा था वो निकाल लिया गया है और छतर जो था वो चोरी कर लिया गया है। तो जैसे कि मतलब पड़ोस के भाई थे हमारे, उनको पता लगा तो उन्होंने शोर मचाया, उसका पीछा भी किया तो वो चोर भाग के दीवार कूद के चला गया। तो एक लोकल पुलिस वाले थे पेट्रोलिंग करते हुए, उनके साथ बैठ के वो जो भाई था हमारा साथ गया, उसने उसको पकड़ा भी यहाँ, 9 नंबर गली के यहाँ पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो भाग गया तेज़ी से। तो फिर उसके बाद हमने PCR को कॉल किया, PCR आई, फिर PCR ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसमें IU साहब जो थे वो आए, उनको सारी डिटेल हमने बता दिए। अभी हम सर्च कर रहे थे उसके लिए, तो हमें एक फ़ोन मिला है उसका। चोरी की ये पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंदिर में लगे CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है और CCTV के आधार पर चोरों की पहचान भी की जा रही है। वजीराबाद इलाके में करीब 10 दिनों में अलग अलग मंदिरों में चोरी की ये तीसरी घटना है। चोर आए दिन इलाके के मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।